जो कल हम बात कर रहे थे वही हुआ। ये नेक्स्ट डे है, कल जब हम वहाँ पे थे तो थोड़ी सी आंधी वांधी आ गई थी, तो हम लोग वहाँ से निकल आए। अभी हम वापस रिजॉर्ट आ गए थे मंडाल में, वो कैंप था। तो यार जो डर था, जो मैं बात कर रहा था कि टच वच होने वाली, वो कल एक्चुअली हो ही गया। क्योंकि ये सेक्शन ना काफ़ी नीचे है, तो इसका कुछ ना कुछ अपने को सॉल्यूशन, देखो गाड़ी तो कंपनी ने बना दी, अब इसमें कुछ ऐसा चेंज तो होगा नहीं कि भाई लाइक समझ रहे हो ना कि भाई अब इसको बिल्कुल चेंज कर दें, तो हमें ही कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे कि इधर अगर ये टच होती है तो होती रहे, पर सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि मतलब कुछ ऐसा डैमेज ना हो कि कुछ लटक जाए, कुछ टूट जाए, वो चीज़। तो कल हुआ है डैमेज थोड़ा सा। तो ये जो प्लेट है नीचे, एक साइड से ऑलरेडी उखड़ गई है। लेट मी बेंड डाउन, पीछे वाला कॉर्नर देखो जो मुड़ा हुआ है, ये दिख रही होगी आपको, ये रही। तो ये अब और ज्यादा टच होएगी, ये तो इशू है, पर ये शायद बैक लेते टाइम पे उलझी है, और ये उससे तो एक्चुअली टच ही है जो अपना डिफरेंशियल है आगे वाला उससे। तो यस, डायरेक्ट इम्पैक्ट तो ये बचा रही है उसके ऊपर से, नो डाउट। पर थोड़ा सा अगर ये पुरानी वाली गुरखा जितना भी इसका सिस्टम होता ना आगे से, तो काफ़ी हद तक मतलब हम बच सकते थे। जब गाड़ी नीचे से टच होते थे थोड़ा सा आपको लगता है कि लाइक कुछ डैमेज ना हो जाए, इसीलिए मुझे लाइक इन चीज़ों में जैसे पजैरो है, फॉर्च्यूनर है, थार है नई वाली, ये ज़्यादा कामयाब है, क्योंकि ये नीचे से सारा आगे से लेके पीछे तक फ्लैट होती हैं। तो कुछ मान लो आपने प्रोटेक्शन प्लेट्स वगैरह लगाई हुई है ना, बड़ा स्मूथली चीज़ों के ऊपर से निकलती है, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये वाला पार्ट निकल गया तो अब पीछे वाले पार्ट्स भी निकल जाएंगे ऐसे। तो इसमें क्या है कि ये निकल गया तो वो टच हो गया, वो निकल गया तो ये टच हो गया, ऐसा चक्कर है इसके अंदर। तो भाई आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज एक्चुअली अभी कैंपिंग शुरू नहीं हुई है हमारी, तो आज का जो मेरा प्लान है वो ये है कि हम आज टेस्टिंग करेंगे जो सिस्टम गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है इसकी। तो अब तक इसका टेस्ट हुआ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि पहले एक बार फील ली जाए, टेस्ट किया जाए, और उसके बाद में फिर प्रॉपर कैंपिंग शुरू की जाए। तो जी अब हम चल दिए हैं अपनी कैंप साइट की तरफ, फटाफट से पहुंचते हैं। दो सेक्शंस हैं यहाँ पे, एक तो नीचे उतरने वाला, आराम आराम से कोशिश करता हूँ उसके कुछ 360 शॉट्स लेने की। उसके बाद में फिर एक सेक्शन है जब नदी पार करते हैं जहाँ पे हमारी ये प्लेट व्लेट उखड़ी हैं, तो फिर वहाँ पे फिर से ट्राई करेंगे 360 शॉट्स लेने की। Somewhere by a gated star, baby, they ain't never gonna find me. ये भाई सारा का सारा कोसी रिवर बेड है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे पूरे में नदी चलती है। जब अभी वेदर आएगा लाइक जब बारिश आएंगी, पानी आएगा, तो यहाँ पे हर जगह पे पानी पानी होगा फिर। और ये आवाज जो आ रही है, ये आ रही है उसी प्लेट की। देखते हैं भाई कोई मैकेनिक मिलेगा उससे ठुकवाएंगे, क्योंकि सारे रास्ते ऐसे तो नहीं झेला जा सकता आवाज को। ये भाई टिक गई नीचे से, यार कुछ भी नहीं है यार, लाइक नॉर्मल रास्ता है, नॉर्मल गाड़ियां जाती हैं, इसका क्या इलाज किया जाए? कोई इलाज भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंट्रोल आर्म भी बीच में ही है, क्या करें यार इसका। कोसी रिवर है, इसको पार करेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, रास्ता ही बना रखा है लाइक ट्रैक्टर या जो भी गाड़ियाँ इसके अंदर से निकल के यहाँ से जा रही हैं। फ्लो ठीक है, पानी मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा यहाँ तक जाती है गाड़ी इस पानी के अंदर,
यहाँ तक इतना है पानी, तो इतना तो यार नदियों में होता ही है, तो भाई फिर पानी क्या अगर इतना भी ना हो। बट द प्रॉब्लम इज कि एक तो हमारी वैसे नीची है, कल बस इसमें पकड़ना राइट साइड जाएंगे, बट यार इसका मैं क्या इलाज ढूंढूंगा। इस गाड़ी को मैं आराम से इसलिए नहीं चला रहा कि ये चल नहीं रही है, सब कुछ इतना नीचे है कि हिट करते हुए चलता है, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर चलना पड़ता है, ये दिक्कत है यहाँ पे। अदरवाइज़ इस गाड़ी से बहुत कुछ बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, पर आप हमेशा इसी चीज़ से डरते रहते हो कि भैया नीचे से कुछ टूट ना जाए, फिर आपको ट्रैक्टर खींच के लेके जाएगा। तो यार आपने देखा होगा, दिस इज़ अ परफेक्टली एक्सेप्टेबल एंड फाइन व्हीकल। अगर मैं अपना फीडबैक दूँ ना, तो ट्रैवल में ज़्यादा अगर आप ट्रैवल करते हो तो दिस फील्स वे मोर कंफर्टेबल देन थार, एंड उसके साथ में फिर ऑफ रोड केपेबल भी है। अगर पावर की बात करें तो पावर भी ओके है, मतलब ऐसा कोई लंबे ट्रिप्स पे भगा के भी कुछ मिलता नहीं है, और जो स्पीड लिमिट्स हैं उनमें गाड़ी ठीक ठाक चलती है, तो चालान भी बचते हैं। ये वाली जो सेंस है, ये आप ज़्यादा ट्रैवल करोगे तो आपके अंदर भी आएगी कि जितना ज़्यादा फालतू के चक्करों से बचे रहोगे उतना अच्छा है। पर यार एक चीज़ जो इन्होंने फोर्स मोटर्स ने गाड़ी ठीक ठाक बनाई है, मेहनत करी है, तो एक ऐसी कंपनी जो स्पेसिफिकली ज़्यादा प्राइवेट व्हीकल्स बनाने का एक्सपीरियंस जिसको नहीं है, उस कंपनी के हिसाब से ये गाड़ी ठीक है। क्योंकि ये गाड़ी जो बनी है ना, ये कोई पार्ट कहीं से, कोई पार्ट कहीं से, कोई पार्ट कहीं से, इस तरह से ज़्यादा इसके अंदर दिखाई देता है। तो इसी वजह से जैसे TPM में से वो आफ्टर थाट लगेगा आपको, उसके अलावा जो हेड यूनिट है वो आफ्टर थाट लगेगी, बट वो सब कुछ दरकिनार है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस व्हीकल का जो पर्पस है वहाँ पे उन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। बट जो इन्होंने ये काम ख़राब किया है ना, जो ये आगे वाला सेक्शन लाइक मारुति 800 से भी जो नीचा इन्होंने कर दिया है, इसकी वजह से ये गाड़ी अपनी 70% कैपेबिलिटीज़ को लूज़ करती है हर जगह पे। तो जहाँ पे थार बिना नीचे से अंडर बॉडी को टच भी किए हुए डायगनली उतर जाते हैं जिन जगहों से, इसका फ्रंट कंट्रोल आर्म ही अटक जाता है, फ्रंट एक टायर चढ़ेगा दूसरा टायर ही अटक जाएगा। अब ये चीज़ें सुन के लोगों को बड़ा दुख होता है, जिनको वो लगता है कि उनके पास जो है वो बेस्ट है। तो मैंने हमेशा थार, जब मैंने इतना ड्राइव की उसके अंदर जो कमियां मुझे लगती थी हमेशा शेयर की। जब मैंने दो चीज़ें, जब कोल्ड स्टार्ट वाला इशू थार में मुझे बार बार आता था, तो वो चीज़ मैंने हमेशा शेयर की। और जब मैंने कोल्ड स्टार्ट वाली बात पे जब गोरखा को प्रेस किया तो बहुत खुश हुए लोग। पर अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं एज अ बायर, जो नया बंदा इस गाड़ी को लेने वाला है, तो ये उसको भी पता होने चाहिए, क्योंकि भाई मैंने भी गाड़ी खरीदी है, चलाई है, आई नो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और औरों से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको कम से कम पता होना चाहिए कि वो क्या लेने वाले हैं, उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, जहाँ पे आप सिर्फ रियल बातें करते हो, ऐसे नहीं कि आप किसी गाड़ी के फ़ैन हो और आप सिर्फ उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो ये गाड़ी आगे से इतनी नीची, जिसने भी देखा है, जहाँ पे भी मैं रुका, जिसने भी देखा, पहले मैं उस दिन ढाबे पे रुका रात को, तो पाजी बोले गाड़ी तो बढ़िया है, ऊंची है, एकदम से आगे वाला सेक्शन देखा, अरे
जी गाड़ी इतनी ऊंची है और ये तो जमीन पे टिका हुआ है इसका। मैं बोला जी मैंने भी पहली बार देखी थी जब यही बात बोली थी, पर दिक्कत ये है कि मेरे को थोड़ी सी स्पेशियस गाड़ी चाहिए थी, उसके साथ में प्रॉपर ऑफ रोडर चाहिए था, तो कोल्ड स्टार्ट से मैं परेशान था थार में। और आप बहुत लोग परेशान रहे यार, मुझे मिलते थे तो आई नो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ये चीज़ इसका ड्रॉबैक है गुरखा का। मैं 90 BHP के ऊपर जो लोग बात करते हैं ना, मैं उसको ड्रॉबैक ही नहीं मानता। 90 BHP इज़ फाइन, ओके, बट जो ये आगे से बहुत नीची है गाड़ी, इसकी वजह से जो ये लूज़ करती है ना, जो ये कर सकती थी और अब ये लाइक क्या नहीं कर सकती, में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस गलती की वजह से अब मैं कहता हूँ, मान लो इसका जो बोनेट है वो थोड़ा सा आगे से ऐसे झुका हुआ है, मैं कहता हूँ चलो इंजन का डिज़ाइन ऐसा है या फिर जो नीचे के पार्ट्स हैं वो ऐसे, मतलब लिमिटेशन थी कि वो एक दूसरे पर स्टैक होकर यहाँ तक नीचे चले जाएंगे। तो भाई साहब आप बोनेट को ऐसे किसी का फ्लैट कर दो, क्या होगा, हल्की सी विजिबिलिटी हैम्पर होगी ना 1-2-5 इंच की आगे, नीचे अगर 2 इंच जगह और बन जाती तो क्या रिजल्ट निकल के आता। पुरानी वाली गाड़ी के नीचे भी चैसी के अंदर क्रॉस मेंबर्स हैं, बट वो चैसी के अंदर हैं, जैसे नई वाली थार के अंदर है, पुराने वाले में भी ऐसे ही होगा। पर यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि नीचे अलग से बड़ी बड़ी दो रॉड्स वेल्ड की हुई हैं, या जो भी क्रॉस मेंबर्स वेल्ड किए हुए हैं वो भी टकराते हैं हर जगह, फ्रंट सेक्शन भी टकराता है हर जगह। तो कैसे पीस ऑफ माइंड मिले, लाइक ट्रैवलर अगर है बंदा, वो निकलता है लंबे लंबे टूर्स पे, अगर गाड़ी ऐसे टकराएगी तो उसको पीस ऑफ माइंड कैसे मिलेगा, लाइक वो फंस जाएगा कहीं पे भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये एक बहुत बड़ी गलती करी है फोर्स मोटर्स ने, इतनी बढ़िया गाड़ी बनाने के बाद में, और एक इतनी मतलब लाइक इस चीज़ के ऊपर इन्होंने जो ध्यान नहीं दिया है ना, ये चीज़ ख़राब कर दी इन्होंने। तो ये गाड़ी कुछ और ही लेवल पे परफॉर्म कर सकती थी अगर फोर्स मोटर्स थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाता। भाई पुरानी वाली गाड़ी से आपने कुछ चीज़ें अपग्रेड करी, जैसे पुरानी वाली का क्लच बहुत हार्ड है, हमारे वाली गाड़ी का क्लच पता ही नहीं लगता, राइट। उसके अलावा थोड़ा सा सीटें बेटर हैं, सस्पेंशन प्लश है, पर भाई साहब आपने जो मेन चीज़ है गाड़ी की जो सबसे आगे आती है ग्राउंड क्लियरेंस, वो भी ऑफ रोड गाड़ियों में, वही ख़राब कर दी यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये गाड़ी अप्रूव कैसे कर दी होगी यार फोर्स मोटर्स की मैनेजमेंट ने। हमें अपने लेवल पे कुछ करना पड़ेगा या फिर फोर्स मोटर्स कोई रास्ता निकाले, क्योंकि गाड़ी अच्छी है पर इस चीज़ ने इसकी ऐसी की तैसी कर दी है गाड़ी की। चलो यार ये शेयर करना था मुझे, मैंने हमेशा शेयर किया है जो भी अच्छी चीज़ बुरी चीज़, तो ये भी शेयर करना बनता था। तो इस वीडियो में इतना ही, कीप वॉचिंग डीसीवी, बाय बाय।